अब ये प्रोनाउन क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों सर्वनाम। सर्वनाम मतलब सबका नाम, जो नाम की जगह पे यूज किया जाता हो वो सर्वनाम होता है। ये मतलब जो है कुल मिला के संज्ञा का एक विकल्प है। अब सब्जेक्टिव क्या होता है कि आई वी यू दे ही सी, ये वर्ड जहाँ भी यूज हो रहे हैं सेंटेंस में, तो उस वर्ड वाले पार्ट को हम कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। उसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में मी, अज, यू, देम, हिम, हर, ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ये दोनों मिला के पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। फिर आता है पोजेसिव, यानी अधिकार दिखाना, अधिकार जताना, कुछ भी अपने पास होना। माई, आवर, योर, देयर, हिज, हर, इसी प्रकार माइन, आवर्स, योर्स, देयर, हिज, हर्स। रिफ्लेक्सिव की बात करें या इंटेंसिव की बात करें दोस्तों, तो इसमें आता है माई सेल्फ, स्वयं खुद, जिसके बारे में बात की जा रही है वो स्वयं खुद। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, इस प्रकार से। और इनडेफिनेट की बात करें, अनिश्चित की, तो अनिश्चित थिंग जो होती है, चीज़ें, वस्तुएं, जो भी है, बातें होती है, उनके लिए इनका यूज होता है, जैसे ईच, बोथ, ऑल, मैनी, एवरीवन, नॉन। उसी प्रकार डेमोन्स्ट्रेशन की बात करें, तो ये किसी चीज़ की ओर इशारा करता है, इंगित करता है, जैसे दिस, दैट, दिस, दोस, ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव कहलाता है। इसी प्रकार इंटरोगेटिव की बात करें दोस्तों, तो ये प्रश्नवाचक जो अपनी डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड होते हैं, ये मतलब एक प्रश्न पूछने में काम आते हैं, और जनरली इनका जो आंसर होता है वो एक नाउन होता है, व्हाट, विच, हाउ, होम, हुज, ये जो है अपने इंटरोगेटिव हैं। उसी प्रकार रेसिप्रोकल की बात करें, तो ईच अदर, वन अनदर, ये दो ही विशेष इसमें जो है होते हैं, वैसे जैसे एक और भी ले सकते हो आप, इनफ, इनफ इज इनफ, इस प्रकार के जो है ये रेसिप्रोकल में आते हैं।